पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान साहब आप कंटेनर पर नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म हैं। टैक्स रेवन्यूज जमा ना होने पर नाकामी का बदला गरीब आवाम से लेना जुल्म है। तफसीलात जानेंगे सलमान तारिक से। जी सलमान, मजीद क्या कहना था मरियम औरंगजेब का? जी, तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहना था कि जी इमरान खान साहब आज वो भी आपको याद कराना चाहती हैं कि आप कंटेनर पर नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि जी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं आप या फिर नैब के चेयरमैन या इसके तर्जमान हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जी रीमा खान और जहांगीर तरीन ने प्ली बार्गेन और एनआरओ की आपको जो है वो आदत डाल दी है, इसलिए आप सब में प्ली बार्गेन और एनआरओ बांट रहे हैं और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ एक रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। ये कहना था मरियम औरंगजेब। मजीद कहा कि जी वज़ीर आज़म को ये भी बता दूं कि डॉलर की कीमत मजीद बढ़ चुकी है और रुपए की कदर मजीद कम हो गई है और कौन को बताएं कि 9 माह में आपकी कितना 3000 अरब रुपए से जायद कर्ज ले चुके हैं और कौम को ये भी बताएं कि अपराधी कर 8.5% से भी ऊपर जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जी अपोजिशन पर तनकीद इसलिए कर रहे थे इमरान खान साहब क्योंकि पेट्रोल 12 रुपए मजीद महंगा करना है और अपनी तकरीर में 9 माह के दौरान अपनी हुकूमत की एक भी कारकर्दगी की जो है वो इमरान खान नहीं बता सकी। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि इमरान खान जो है वो अलीमा खान और जहांगीर तरीन की चोरी छुपाने के लिए अपोजिशन को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं और कौम को ये बताएं कि अलीमा खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई कब शुरू की जाएगी और साथ ही कहा कि जी गरीब आवाम तैयारी कर ले। बहुत शुक्रिया आपका सलमान तारिक।